दोस्तों, हाफिज़ शहाबुद्दीन इंटर्न से हमारा रब्ता हुआ है। सर जो है वो डीओ एलिमेंट्री सेकंड ईयर हायर सेकंडरी सखर हैं। सर से हमने पूछा कि सर JEST का क्या मामला है। सर ने कहा कि प्रोसेस स्टार्टेड, उस पर काम हम जो है वो शुरू कर चुके हैं, लेकिन मसला ये है कि पूरे सिंध में PST को ऑर्डर मिल गए हैं और जो दोनों साइड्स पास हैं उनको थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो PST सेलेक्ट होगा अगर ज्वाइनिंग उनकी हो जाती है तो वो सीट फिर पीछे किसी और को नहीं मिलेगा, वेटिंग वाले को। अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करते ऑफ़र लेने के बाद भी, अगर वो विदड्रा करते हैं तो पीछे जो वेटिंग वाला कैंडिडेट है वो आ जाएगा। और इस वीडियो के ज़रिए मेरी आपसे इल्तिजा होगी कि आप PST या JEST में से एक सिलेक्ट करें, आप क्लेरिक से रब्ता करें। आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो कि वेटिंग में है, PST में उनका काम नहीं हो रहा, तो आप क्लेरिक से रब्ता करें, उनसे पूछें कि अगर आपका JEST कन्फर्म है तो वैसे भी अब आपके हक़ में फ़ैसला आ चुका है, JEST 100% सीट्स जो है वो फिल की जाएंगी, तो आप थोड़ा सब्र करें, क्लेरिक से रब्ता करें। आपका JEST कन्फर्म है तो PST का ऑफ़र ऑर्डर लेने के बाद भी ज्वाइनिंग ना करें, ताकि आपकी फैमिली में जो वेटिंग में है वो आ सके। आपकी फैमिली का हो ना हो, पूरा सिंध हमारी फैमिली है। कोई भी अगर किसी की भी भलाई हो आपके एक महीना सब्र से, तो काइंडली डू दिस। आप हेजिटेट ना हो, फील ना करें, कि क्लेरिक से रब्ता करें। मुझे पता है कि उनका बिहेवियर रूड है, लेकिन आप किसी सीनियर टीचर के साथ जाएं तो उम्मीद है वो आपको लिफ्ट देंगे और इंशाल्लाह आपसे वो जो है वो अपने सब चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आपको पता चल जाएगा आपकी सिलेक्शन कन्फर्म हो गई है अगर JEST में, तो काइंडली PST न लें, ताकि इससे जो बेरोज़गार है उसको फ़ायदा मिले। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप अस वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।